नमस्कार, विवाह विरोध में आज फिर आप सबों का स्वागत है। मैं एसएन विनोद। आज उस महत्वपूर्ण खबर पर, बल्कि चर्चित खबर पर, जिसने भारतीय राजनीति में विशेषकर कांग्रेस के अंदर एक सियासी तूफान ला दिया है, उस खबर पर चर्चा करूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे की। गुलाम नबी आज़ाद ने करीब 5 दशक तब कांग्रेस में रहने के बाद कल कांग्रेस की प्राथमिकी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। जाहिर है इसके असर कांग्रेस दल पर तो पड़ा ही, भारतीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ा है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, गुलाम नबी आजाद पर विश्वासघाती होने का आरोप लगा और गुलाम नबी आजाद ने जो 5 पन्नों का अपना जो इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंपा, उसमें उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी के ऊपर अनेक गंभीर आरोप लगाते हुए यह बताने की कोशिश की, बल्कि यह बताया कि राहुल गांधी की एंट्री के साथ कांग्रेस का सफाया होना शुरू हुआ। यह उनका आरोप है। जबकि पार्टी के अन्य नेता गुलाम नबी आजाद को विश्वासघाती, धोखेबाज, गद्दार बताते हुए कह रहे हैं कि जिस पार्टी ने उन्हें गुलाम नबी आजाद बनाया, 42 वर्षों तक उन्हें कभी किसी पद से अलग नहीं रखा, विभिन्न पद उनको दिए गए, वह व्यक्ति अगर इस तरह के आरोप लगा रहा है तो वह कोई दगाबाजी हो सकता है, ऐसे आरोप लगा। और अब इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बात बहुत आगे बढ़ गई। अब तो यह कहा जाने लगा कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान चल रहा है, उसके एक एजेंट के रूप में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के अंदर काम तो नहीं कर रहे थे, यह भी आरोप लग रहे हैं। और इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं। जब राज्यसभा में उनका अंतिम दिन था गुलाम नबी आजाद का, तो प्रधानमंत्री मोदी का वो भावुक भाषण जिसमें उन्होंने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते करते अपने आंसू तक बहा दिए थे, और वह दिन जब मोदी सरकार ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया था, ये सारी बातें अब आ रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे गुलाम नबी एक मोदी के एजेंट के रूप में कांग्रेस के अंदर काम कर रहे थे, और अब जब सचमुच कांग्रेस संकट में है और उसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसे मजबूत बनाने का संगठन के स्तर पर राहुल गांधी या अन्य नेता प्रयास करें, उस समय गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा सवाल तो खड़े करेगा, सवाल खड़े हो रहे हैं। अपने त्याग पत्र में गुलाम नबी आजाद ने आंतरिक लोकतंत्र की बात की है, कहा है कि लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है, वहां तो राहुल गांधी के निजी सुरक्षा कर्मी और पीए निर्णय ले रहे हैं, किसी नेता के कोई नहीं चलती, यह सीधा आरोप है। इस तरह के कई आरोप। इस संदर्भ में मैं एक घटना की याद दिलाना चाहूंगा, ध्यान रहे 90 के दशक में जब सीताराम केसरी और दिग्गज नेता शरद पवार के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे, भाजपा संगठन का चुनाव था वो, ये दोनों उम्मीदवार थे, सीताराम केसरी और शरद पवार। सीताराम केसरी ने शरद पवार को पराजित किया, दिग्गज शरद पवार को पराजित किया था, और सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। लेकिन क्या हुआ, उस घटना को याद कीजिए, आपके जेहन में वो क्षण आ जाएंगे, वो दृश्य सामने आ जाएंगे। जब एक बैठक चल रही है और सीताराम केसरी वहां मौजूद हैं, सीताराम केसरी को जबरदस्ती अध्यक्ष पद से हटा करके सोनिया गांधी को बुलाकर वो भार सौंपा जाता है। कहा तो तक जा रहा है कि तब सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया गया था, ऐसे आरोप लगे थे। और उस समय वो जो ब्रिगेड था जिसने सोनिया गांधी के लिए काम किया और एक निर्वाचित अध्यक्ष सीताराम केसरी को अपदस्थ किया था, उसके एक प्रमुख
सदस्य के रूप में गुलाम नबी आजाद मौजूद थे, तब कहा गया था आंतरिक लोकतंत्र। एक निर्वाचित अध्यक्ष को हटाने के प्रयास में, के षड्यंत्र में बल्कि कहना चाहिए, जो गुलाम नबी आजाद शामिल थे, आज वो आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। कह रहे कि पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो गया, पीए और सुरक्षा कर्मी निर्णय लेते हैं, आपकी कुछ शिकायत हो सकती है, आप पार्टी के मंच पर बात कीजिए, बात कीजिए। लेकिन इस तरह से बचकानी हरकत, मैं इसे बचकानी हरकत कहूंगा, चूंकि जो मैंने उदाहरण दिए ये सभी सामने है, लोगों की जानकारी में है, आप चाहे जितना कहिए सभी जानते हैं कि जब आपको राज्यसभा के सदस्य के रूप में पार्टी ने मनोनीत नहीं किया, आप नहीं बने, उसके बाद से आप नेतृत्व के खिलाफ सक्रिय हो गए, जिस कथित G23 की संरचना तैयार की गई थी, इसका गठन किया गया, आप उसके सम्मानित सदस्य थे, उस समय आंतरिक लोकतंत्र कहा गया था। ठीक है, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि खुलकर किसी भी दल के अंदर खुलकर चर्चा होनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए, लेकिन विश्वासघात करने का अधिकार किसी को नहीं मिलता। अगर वो विश्वासघात करता है तो वो पार्टी का है ही नहीं है, वो पार्टी के प्रति समर्पित नहीं है। जो आज गुलाम नबी पर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने दगाबाजी की, धोखा दिया, यह सही? और इसकी जैसे मैंने कहा लगता है कि पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार की गई थी। आज जब कांग्रेस ने अपने संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक प्रयास, अनेक कदम उठाए हैं, राहुल गांधी एक राष्ट्रीय अभियान की तरफ यात्रा पद यात्रा पर निकलने वाले, प्रियंका गांधी अपने क्षेत्र में वो सक्रिय हैं, अन्य नेता भी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की तैयारी में है और दे रहे हैं, वैसे में ये एक नया टंटा खड़ा करके, अर्थात पार्टी से इस्तीफा देकर के गुलाम नबी आजाद ने पूरी की पूरी संरचना को अस्त व्यस्त करने की कोशिश की है, पार्टी को अस्थिर करने की कोशिश की है। और यही कारण है कि 5 पन्नों के त्याग पत्र में जो उन्होंने आरोप लगाया है, जो कारण बताया है, उसका खरीदार कोई भी नहीं है, सभी उन्हें दगाबाज कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। गुलाम नबी आजाद उन तथ्यों को नहीं झुठला सकते हैं, उन्हें क्या नहीं मिला, केंद्रीय मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, विभिन्न पदों पर रहे, कई राज्यों के प्रभारी रहे, जैसे मैंने कहा, दोहरा रहा हूं कि 42 वर्षों तक, जी हां 42 वर्षों तक था, 4 दशक से ज्यादा तक उन्हें पार्टी ने कभी खाली नहीं बैठे दिया, किसी न किसी पद पर उन्हें कायम रखा। वह गुलाम नबी आजाद आज अपने साथ अन्याय की बात कर रहे हैं? साफ है कि जो आरोप उन पर लग रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मोदीमय हो चुके हैं, और एक लंबी कतार जो खड़ी है, जिन लोगों ने पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर अभी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, या उन्होंने बजाबता औपचारिक तौर पर उसकी सदस्यता ली है, कहीं उस पंक्ति में खड़े होने की तैयारी तो नहीं कर रहे। हालांकि ठीक है, उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, संभव है, बल्कि संभावना इस बात की व्यक्त की जा रही है, चूंकि उनका कार्य क्षेत्र जो रहा जम्मू कश्मीर रहा हुआ है, हो सकता है कि वह एक अलग क्षेत्रीय दल बना ले और उनके पीठ पर भारतीय जनता पार्टी का हाथ हो, ताकि वहां से कांग्रेस का सफाई किया जा सके। यह एक सोची समझी साजिश की तहत तैयार योजना है, जिसमें गुलाम नबी आजाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दुखद यह कि इतने गंभीर, इतने अनुभवी, बल्कि लोकप्रिय भी रहे हैं, गुलाम नबी आजाद उस जाल में, उस साजिश में फंस गए हैं। क्या वो समझ नहीं पा रहे हैं? ठीक है, कांग्रेस के आज दुर्दिन चल रहे हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए, यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेतृत्व में देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी और सैकड़ों वर्षों की गुलामी से स्वयं को मुक्त कराकर आज आजाद भारत खड़ा है।
अपने संविधान के अंतर्गत चल रहा है। आज हम एक आजाद देश में सांसें ले रहे हैं, इसका श्रेय कोई देना है तो कांग्रेस पार्टी को जा सकता है। ठीक है, इसमें पूरे देश का था, अन्य पार्टियों का सहयोग था, लेकिन नेतृत्व तो कांग्रेस का था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, उसके योगदान से कोई इनकार नहीं कर सकता है, उसके पार्टी के नेताओं ने जो कुर्बानियां दी उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसके बावजूद अगर गुलाम नबी आजाद सलीखा नेता कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगाता है तो यह दुखद है। जिस राहुल गांधी जिस नेहरू गांधी परिवार पर आरोप लगा रहे गुलाम नबी आजाद, यह तो गुलाम नबी आजाद पर कभी आरोप लगते थे कि वो संजय ब्रिगेड के एक योद्धा है और सारी मान्यताएं सारी परंपराएं ताक पर रखकर उस काल में जब निर्णय लिए जाते थे तो उसके एक पार्टी थे गुलाम नबी आजाद, उसके हिस्सेदार थे गुलाम नबी आजाद, और आज वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आज जबकि कांग्रेस पार्टी को एकजुट रहने की जरूरत है, क्योंकि ध्यान रखें और बात लोगों को छोड़ दीजिए, जो स्थापित मान्यता है उनकी बात में लेकर स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता को चिन्हित किया है। मैं नरेंद्र मोदी को इसलिए उल्लेखित कर रहा हूं क्योंकि मुख्य लड़ाई और जो चुनौती है कांग्रेस को नरेंद्र मोदी की तरफ से उन्होंने, ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित कर एक संगठन को मजबूत कर एक मजबूत विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी अर्थात सत्तारूढ़ दल के सामने खड़ा होने की जरूरत है, उस समय इसका एक योद्धा गुलाम नबी आजाद के रूप में अगर पार्टी छोड़ता है तो इसे दगाबाजी ही कहेंगे, इसे धोखा ही कहेंगे। बाकी बातें उनकी शिकायतें सही भी हो सकती है, लेकिन मैंने जैसे कहा उदाहरण दिया कि तब कहां थे गुलाम नबी आजाद जब ऐसे हर फैसले में वे एक पार्टी हुआ करते थे, उसके हिस्सा बना करते थे। सिर्फ आपकी राज्यसभा की सदस्यता किया गई, आपको पुनः राज्यसभा में नहीं भेजा गया। आप चार दशक से ज्यादा जिस पार्टी ने आपके लिए हर कुछ किया उसे आप भूल गए, इसका मतलब आप कभी भी क्षमा करें इन शब्दों के लिए, आप कभी भी पार्टी के लिए ईमानदार नहीं रहे, आप पार्टी के साथ विश्वासघात करते रहे और आज वो मामला खुलकर सामने आया है आपके त्याग देने के साथ, पार्टी का त्यागने के साथ। क्षमा करेंगे श्रीमान गुलाम नबी आजाद, आपके लिए पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर एक जो विशेष स्थान लोगों के दिलों में था वह धराशायी हो गया। अब आपको इतिहास और यहां के लोग एक विश्वासघाती कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में जानेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है कि आपके लिए आंसू बहाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको कुछ तोहफे के रूप में दे दें। आपको पद्म पुरस्कार से सम्मानित तो किया ही जा चुका है, आगे भी कुछ देते हैं, लेकिन आपको वह सम्मानजनक गौरवशाली स्थान कदापि नहीं मिलेगा, पुनः कदापि नहीं मिलेगा जो आपको कांग्रेस के साथ रहते हुए कांग्रेस ने दिया और आम जनता ने दिया। इस बात को आप हृदयस्थ कर लें कि अब आप देश की नजर में अपने समर्थकों अपने प्रशंसकों की नजर में आप एक गद्दार के रूप में स्थापित हो चुके हैं।